ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, चर्चा हम कर रहे थे प्रबंध के प्रमुख कार्य, प्रबंध के सहायक कार्य। विद्यार्थियों, प्रमुख कार्य में मैंने आपको बता दिया था योजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, निरंतर नियंत्रण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, ये सारे के सारे जो प्रबंध के कार्य माने जाते हैं। लेकिन जो प्रमुख कार्य है उसमें ये पांच ही शामिल किए जाते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय। जबकि प्रबंध के सहायक कार्य भी है। विद्यार्थियों, प्रबंध के सहायक कार्य में कल हमने बात कर ली थी कि प्रबंध के सहायक कार्यों में पहला कार्य निर्णय का है, नियुक्ति का है, नव परिवर्तन है, या आपका नवाचार है, संप्रेषण तथा प्रतिनिधित्व है। ये इस बात पर हमने चर्चा करनी है। उसके बाद में इन कार्यों में विभिन्न जो विद्वान हो उनका अलग अलग मत, कोई विद्वान इन कार्यों को आधार रूप करता है, कोई कार्य सहायक कार्य को प्रमुख कार्य मानते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर मिल्टन बर्ग है, प्रोफेसर मिंडसबर्ग कहते हैं कि जो प्रबंधक का शीर्ष स्तर है वो नियोजन के कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब नियोजन के कार्य पर विशेष ध्यान कौन से स्तर वाले प्रबंधक को करना चाहिए? शीर्ष स्तर के, मतलब उच्च प्रबंधक, जो उच्च प्रबंधक है उनका मुख्य कार्य क्या होगा? संस्था के लिए योजनाएं बनाना और नई योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने का काम, ये उच्च प्रबंधक का होता है। मिल्टन बर्ग ये भी कह रहे हैं कि जो आपके मध्यम स्तर के जो मध्यम स्तर के प्रबंधक कौन होते हैं? मध्यम स्तर के प्रबंधक वो होते हैं जो उच्च प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधक उनके मध्य में जो प्रबंधक स्तरीय जो कड़ी है वो आपकी मध्यम स्तरीय प्रबंधक में आती है। विद्यार्थियों, आपका जो मध्यम स्तर वाला है, इन प्रबंधकों का कार्य क्या है? निर्देशन करना, नेतृत्व करना व संप्रेषण। इनका कार्य क्या है? निर्देशन, संप्रेषण, पता, नेतृत्व। ये क्या करते हैं? ये मध्यम स्तर वाले प्रबंधक के निर्देशन, संप्रेषण तथा नेतृत्व करते हैं। उच्च प्रबंधक का हो गया, मध्यम प्रबंधक का हो गया। अब जो सबसे नीचे वाली कड़ी है प्रबंधक की, निम्न स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक। विद्यार्थियों, निम्न स्तरीय प्रबंधक का प्रबंधक के कार्यों में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है? विद्यार्थियों, इन प्रबंधकों का मुख्य कार्य होता है कि निर्देशन देना, अभिप्रेरणा व पर्यवेक्षण, नियंत्रण करना। कौन से कार्य हैं इनके मुख्य रूप से निचले स्तर के? कौन से हैं? आपके प्रबंध निर्देशन, अभिप्रेरणा तथा लास्ट वाला है पर्यवेक्षण, नियंत्रण। इस तरीके से आपके उच्च प्रबंधक के, मध्यम प्रबंधक के, निम्न स्तरीय प्रबंधक के हम कार्य को बांट दिया है। वैसे तो जितने भी कार्य हैं वो कार्य करने तो पड़ते हैं प्रबंधकों को ही। तो विद्यार्थियों, आज की इस कलांश में केवल तीन बातों का हमने अध्ययन किया है। तो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर देखेंगे।